पहले सर ऐसा था कि शौक शौक था नवाबों का ये, तो वो जो है चांदी की पतंग में फुन्ने लगा के उड़ाया करते थे। अच्छा, शौक की बात है केवल जी। और आशीष भाई के पास एक पतंग बहुत ज्यादा पुरानी रखी हुई है, वो सामने कितने साल पुरानी होगी? ये 6 रुपए की है, लखनऊ की मझोलियाँ है 6 रुपए की। अच्छा, पर इसमें रंगीन और सादी दोनों मिलेगी। ये पौना पतंग है विमलेश का, ये 16 रुपए का पौना पतंग है जी। तो मेन चीज जो देखनी चाहिए नॉर्मली वो यही है कि बस ये। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। तो भाई आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही हटके कंटेंट लेकर के आ चुका हूँ। तो आज मैं आप लोग को बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की पतंग दिखाने वाला हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हमारे लखनऊ में खाने पीने का शौक़ तो बहुत है, उसी तरह नवाबों के टाइम से पतंग का शौक चलता चला आ रहा है। तो आज मैं आ चुका हूँ काइट क्लब ऑफ इंडिया में, जो कि हमारे लखनऊ के मुंशी पुलिया के आगे है। एड्रेस आपको अभी पता चल जाने वाला है। तो भाई तो चलिए बुलाते हैं यहाँ के ओनर आशीष भाई को, जो हम लोग को सारी चीज़ों के बारे में डिटेल देने वाले हैं। हेलो आशीष भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर जी। तो आपके पास पतंग की जो क्वालिटी होती है वो बहुत बेहतरीन मिलने वाली है जी, वैल्यू फॉर मनी मिलेगी आपको। उससे पहले एड्रेस बता दीजिए, कैसे आना है आपके यहाँ? जो है शॉप का नाम काइट क्लब ऑफ इंडिया है जी। और गूगल मैप पे लोकेशन दी हुई है, अगर आप गूगल मैप को फॉलो करके आ सकते हैं तो आ जाइए। और सेक्टर 11 इंदिरा नगर में गायत्री मार्केट के पास पड़ेगी, शॉप नंबर 1 है। अच्छा जी, शॉप नंबर 1 समता नगर लखनऊ। अच्छा, आपके पास पतंग, आपके पास हर टाइप की पतंग मिलती है? एक मिनिमम रेंज तक मिलती है, बाकी उसके स्टार्टिंग रेट क्या है आपके? स्टार्टिंग रेट 2 रुपए का है, पर वो इस समय नहीं होगी। अच्छा, कागज़ की पतंग? कागज़ की और पन्नी की दोनों आती है। अच्छा, और हाईएस्ट कितने तक जाएगा? हाईएस्ट का देखिए शौकीन के ऊपर है, वो चाहे 350 रुपए वाली पतंग उड़ाए चाहे 800 रुपए वाली उड़ाए। पर अच्छा, दुकान पे जो जर्नली बिकने वाली पतंगे हैं जी, वो 45 रुपए से 50 रुपए तक मैक्सिमम है, उससे अच्छा, ज्यादा हम नहीं रखते, आती हैं हम नहीं रखते। अगर कोई बंदा पतंग बनवाना चाहे, कोई पतंग दे, तो आप वो क्या रेट लगाएंगे कुछ? देखिए एक रंग की चौड़ाई जो होती है उसका 1 रुपए बढ़ जाता है। अच्छा, और बाकी हम तो यही कहेंगे अगर किसी को अपने पसंद का डिजाइन बनवाना है तो वो डायरेक्ट कारीगर से कॉन्टेक्ट करे। कारीगर से कॉन्टेक्ट करे। अच्छा, तो हर टाइप की यहाँ पतंग मिलने वाली है? क्यों जी, कागज पन्नी क्वालिटी बहुत बेहतरीन होगी आपको। अच्छा, चाहे छत से उड़ानी चाहे मैदान से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और इससे पहले क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को तो भाई प्रेस करना बनता ही है। तो आशीष भाई हम लोग को सारी पतंगों के बारे में हर एक चीज क्वालिटी सब दिखाने वाले हैं, वो बताने वाले हैं, ठीक है? तो उससे पहले बहुत ही बेहतरीन सा सिनेमैटिक शॉट इंजॉय करेगा, उसके बाद आशीष भाई से बातें होंगी, क्या कुछ बातें होंगी वीडियो में, जुड़े रहिए, सब पता चल जाने वाला। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई नवाबों के टाइम से पतंग चलता चला जी, बिल्कुल। पहले नवाब लोग जो पतंग किस टाइप का उड़ाते थे? पहले सर ऐसा था कि शौक था नवाबों का ये, तो वो जो है चांदी की पतंग में फुन्ने लगा के उड़ाया करते थे। अच्छा, शौक की बात है केवल जी। तो पहले तो काफी पुराना शौक है। और आशीष भाई के पास एक पतंग बहुत ज्यादा पुरानी रखी हुई है, वो सामने कितने साल पुरानी होगी? वो 2001 की पतंग है, इरफान खानदानी की। अच्छा, सबके अलग अलग नाम भी हैं, कारीगर का नाम है ये। अच्छा, कारीगर, ये तोहफेदार पतंग है जी। आप क्लोजअप करके दिखाना चाहें तो वो दिखा सकते हैं, मोहर जो है दिखा सकते हैं, आएगी नहीं शायद।
अभी वीडियो में नहीं आएगी। तो आशीष भाई आप अपनी पतंग दिखाइए, किस किस टाइप की क्वालिटी की आप पतंग रखते हैं? ये मझोली का साइज ये होता है, इस ये 6 रुपए की है, लखनऊ की मझोलियाँ हैं 6 रुपए की। अच्छा, पर इसमें रंगीन और सादी दोनों मिलेगी। अच्छा, रंगीन और सादी दोनों, हाँ, मिक्स करके मिलेगी। केवल अगर डिज़ाइन चाहिए होगी तो 7 रुपए की मिलेगी। अच्छा, अगर एक बात, इसमें कई डिज़ाइन होंगी। बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि अगर पतंग अच्छी क्वालिटी की कैसे पता लगाएं, क्या आप कुछ देखें जो पता चले कि क्वालिटी बहुत बेहतरीन है? देखिए, मेन जो है काप ठड्डा जो है पतंग में अच्छा होना चाहिए। जैसे मैं आपको बड़ी पतंग दिखाता हूँ, ये देखिए, ये पौना पतंग है विमलेश का, ये 16 रुपए का पौना पतंग है जी। तो मेन चीज़ जो देखनी चाहिए नॉर्मली वो यही है कि बस ये जो है, जो इसकी कमानी है वो कमानी दोनों तरफ से बराबर हो, ऐसा ना हो एक तरफ पतली ना हो एक तरफ मोटी ना हो, दोनों तरफ से बराबर है। अगर छिली होगी तो घूमेगी नहीं पतंग। और जो है फिनिशिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर यहाँ से जो है इसकी काप अगर बाहर निकली रहेगी, जो लोकल पतंगों में रहता है कभी कभी, तो वो पतंग नाचती है। वैसे तो ये पतंग जो है मेरे पास तो अच्छी क्वालिटी आती है, ख़राब है नहीं। मैं आपको ख़राब का एग्जांपल दिखा देता, ये अच्छी पतंग है। अच्छा। और सिके हुए काप ठड्डे लगे रहेंगे तो जो है पतंग की लाइफ थोड़ी बढ़ जाती है। ये सब पतंग लाते कहाँ से हैं? ये जो है लखनऊ में अपने बनती हैं पतंगे। अच्छा। और कुछ पतंगे जो है मुरादाबाद की, मेरठ की और कई जगह से जो है बाहर से भी आती हैं, जो जिनका नाम है उनकी पतंगे आती हैं बाहर से। लेकिन मेरे पास प्रेजेंट टाइम में लखनऊ का केवल स्टॉक होगा। और स्टॉक जो है आज आप हो सकता है ये पतंग देख रहे हो, पर वीडियो देखने के बाद जब आप आएँ तो आपको हो सकता है ये पतंग ना मिले, क्योंकि एक लिमिटेड स्टॉक आता है मेरे पास। अच्छा, ये सब कौन सी पतंग है? मैं आपको प्रेजेंट टाइम का स्टॉक दिखा देता हूँ जी। ये पौना पतंग है, ये 13 रुपए की है, लखनऊ की है, लोकल कारीगर की बनी हुई पतंग है, गोल फरमे पे है। ये खटीमा पेपर पे पतंग होगी ये। अच्छा। हाँ, इस पे अजंता का पत्ता लगा होगा और सिकी हुई कमानी ठड्डे हैं। ये 13 रुपए की है जी, ठीक है, फुल साइज का पहुँच जी। और ये बहुत बेहतरीन लग रही है, ये कौन सा कलर? ये पन्नी की पतंग है, ये 5 रुपए की है। अच्छा, ये पन्नी की पतंग है, लेकिन दूर से कागज की लग रही है। नहीं नहीं, पन्नी की पतंग है और 5 रुपए की पतंग होगी। और ये कुछ डिजाइन और मैं दिखा देता हूँ आपको। अच्छा, पबजी ये सब का भी? हाँ, ये बच्चों के लिए है, क्रेज है बच्चों के लिए। ये देखिए, ये मांगदार पतंग है, ये मांगदार पतंग है गोल फरमे पे। ये 12 रुपए की पतंगे हैं ये। ये अद्धी पतंग है, इसमें कई कलर आपको मिल जाएंगे। आज हैं प्रेजेंट टाइम में ये मिल जाएंगे आपको, अगर बचे रहे तो। ये चौखाना पतंग है, ये भी जो है 12 रुपए रेट की पतंग है, हमारे कारीगर की। चार खाना, इस वजह से चौखाना नाम। हाँ, चौखाना नाम है। इसमें कई कलर बनवाए थे अभी 2-3 दिन पहले, लेकिन अभी तो बहुत कम जो है, 50 या 100 के आसपास बची हुई हैं। तो हो सकता है शायद आपको मिल जाए, वरना जब स्टॉक आता रहता है आप जो है चाहें तो अपडेट यूट्यूब पे मैं कर देता हूँ, तो आप जो है आ सकते हैं। ये 16 रुपए का पौना है, 16 रुपए का जी, स्टार बना हुआ है जी, स्टार मांगदार है जी, जी लखनऊ का है ये भी। और आपकी ये 10 रुपए की अद्धी होगी। ये 10 रुपए की अद्धी है, फुल साइज़ की अद्धी होगी, बढ़िया सिकी हुई कमानी होगी, ठड्डा होगा, एकदम गोल फरमे की अच्छी पतंग है। ये अद्धी 10 रुपए की है जी, ठीक है। ये अद्धी हो गई हमारी, और इसमें थोड़े बहुत डिज़ाइन भी, हल्की फुल्की डिज़ाइन आपको मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा डिज़ाइन नहीं मिलेगी, लेकिन हल्की फुल्की आपको डिज़ाइन मिल जाएगी। अभी सेम रेट है, सेम रेट है, 10 रुपए की है ये, और अच्छी पतंग है, फरमा अच्छा है। ये भी 10 रुपए की, हल्की फुल्की डिज़ाइन आपको मिल जाएगी, इसमें क्वालिटी अच्छी होगी, पतंग मैदान के लायक हैं पतंगे ये। और इसके अलावा सद्दी मंझा जो आपको चाहिए होगा वो मिल जाएगा। ये सब कितने का डोर है? ये जो है डोर आपकी समझिए 200 रुपए से 300 रुपए तक जाती है। अच्छा, डोर आपकी दो रुपए से स्टार्टिंग है, मेरे पास जो स्टार्टिंग है वो 2 रुपए से है। अच्छा, और 300 रुपए वाला दिखा दिए, कौन सा है? 2 रुपए वाला दिखा देता हूँ मैं आपको, ये 2 रुपए का धागा आता है। अच्छा, ये 2 वाला है, ये 2 रुपए का धागा है, ये लगा हुआ है, ये 70 रुपए की धागा है। इसमें 3 इक्का, विक्टर, पांडा, कई वैरायटी आती है। अच्छा, कंपनी, हाँ, का नाम है? हाँ, ये हरिराम थ्रेड कंपनी की है। अच्छा। ये 70 रुपए की है, इसमें कलर भी आती है,
कलर जो अवेलेबल होंगे वो मिल जाएंगे। कलरफुल लेना चाहे तो वो भी, हाँ ये भी इधर लगे हुए हैं, कलरफुल स्टॉक लगा हुआ है। ये मिल जाएगा, बड़ी सद्दी चाहिए होगी बड़ी आपको मिल जाएगी, और भी स्टॉक है काफ़ी लगा हुआ है। सब रील है, हाँ ये सब रीलें हैं, ये मंझे लगे हुए हैं जी। अभी ठंडी की वजह से ज़्यादा जो है डोर तैयार नहीं हो रही है, इसलिए स्टॉक में ज़्यादा नहीं है, और ये सब जो है आई हुई है डोरें, ये मिल जाएंगी। बवंडर है, अल्लादीन का चिराग है। अच्छा, अलग अलग नाम है। हाँ हाँ, ये सब अलग अलग। क्वालिटी तो बहुत बेहतरीन होगी इसमें। नहीं, ये सब मैदानी मंजे हैं, क्वालिटी अच्छी ही है। क्वालिटी अच्छी है, हाँ। बाकी लड़ाने के ऊपर है आपके। ये शम्मू भाई की डोर है। कौन सी? शम्मू भाई की डोर है, अल्लादीन का चिराग है। अच्छा, हाँ ये बेरहम कातिल है, ये भी अल्लादीन की है। और ये 9900 की मुझे दिखी है, जिसमें 10-10 का सिक्का लगा हुआ है, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में चल भी रहा है ये सिक्का। तो ये कितने की होगी? ये 750 रुपये की है। अच्छा, और ये सिक्का कितना लगा हुआ? इसमें 200 रुपये के सिक्के लगे हुए हैं। अच्छा, 200 रुपये के सिक्के लगे हैं जी। और इसमें बेत की डंडी लगी हुई है जी। ये सब जितनी भी चरखी है सबका सेम प्राइस है? नहीं, सब अलग अलग रेट की है। अच्छा, सब अलग अलग रेट। हाँ, ये 70 रुपये के रेट की लगी हुई है, ये 350 रुपये की लगी हुई है, ये 200 रुपये की है। अच्छा, और ये जो पन्नी की पतंग जो रखे हैं पबजी, ये सब ये कितने की है? ये 5 रुपये की है। सब 5 रुपये की जी है। अच्छा, मिक्स है इसमें, नीचे पड़ी हुई है। अच्छा, हाँ ये 10 वाली है। हाँ ये 10 वाली है। अच्छा, अगर कोई बैग लेना चाहे तो वो भी मिल बैग वो है 230 रुपये का मिल जाएगा 3 इंच में। अच्छा, वो 250 रुपये का मिल जाएगा। ये इधर फैंसी रखा हुआ है 425 रुपये का। अच्छा भाई, ये बताइए आपके पास स्टॉक जो है कितने दिनों में चेंज होता रहता है? क्योंकि अभी जो मैं दिखा रहा हूँ वीडियो में जी जी, वो तो अगर कोई बंदा लेने आएगा मेरी वीडियो के थ्रू तो नहीं, तो उम्मीद है कि मुझे वो स्टॉक तो उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मुश्किल से 2-3 दिन का स्टॉक है, मुश्किल से। अच्छा, हाँ, और बाकी ठंडी है तो उस वजह से स्टॉक थोड़ा सा कम तैयार हो रहा है, दिन भी छोटा होता है, उतना ज़्यादा माल तैयार नहीं हो पाता है। तो अब जैसे ये स्टॉक, अब कल कुछ पतंगें आने वाली हैं मेरे पास, विमलेश कारीगर की अद्धी और पौना आने वाली हैं, 1500 पतंग आने वाली हैं। तो वो किसी को चाहिए तो उसके लिए कांटेक्ट कर सकता है, मुझे फ़ोन करके आ सकता है, और बाकी जब नया स्टॉक आएगा तो हम अपडेट कर देंगे। अच्छा ठीक है। वैसे आपका एक यूट्यूब चैनल भी था क्या? जी नाम? मेरे यूट्यूब चैनल है, उसका नाम काइट क्लब ऑफ इंडिया है। अच्छा, तो वहाँ पर आप जी पतंग से स्टॉक आता रहता है उसको आप दिखाते हैं? न्यू स्टॉक जो आता है हम उस पर अपडेट कर देते हैं, बाकी पतंग का और मंजे का रिव्यू भी करते हैं हम उस चैनल पर। तो अगर किसी को जो है अगर काइट में इंटरेस्ट हो तो वो मेरे चैनल पे जा सकता है, देख सकता है, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर सकता है। अच्छा, वैसे क्वालिटी से कोई भी कम्प्रोमाइज़ आप नहीं करते? नहीं, देखिए क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं हम, और जो चीज़ हम वीडियो में दिखाते हैं वही चीज़ देते भी हैं। ऐसा नहीं कि आज हम दिखा आपको कोई क्वालिटी रहे और आप आएंगे तो आपको दूसरी क्वालिटी मिलेगी, क्वालिटी वही मिलेगी या नहीं मिलेगी। अच्छा जी, तो उम्मीद करता हूँ कि भाई आपको यहाँ की वीडियो पसंद आई होगी। अब जो आगे आबिद भाई जो है वीडियो डालेंगे पतंग की, वो आपको इससे अच्छी दुकानों की, अच्छी अच्छी दुकानों की वीडियो मिलेंगी। आप लोग प्लीज़ आबिद भाई को सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, इन फ्यूचर यहाँ का और भी अच्छा अच्छा कलेक्शन दिखाएंगे। तो मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आशीष भाई बाय कर दिया। नमस्कार, बाय।